Now, since we have studied the इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग, फाइटोक्रोम करके कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं. तो फाइटोक्रोम्स क्या है? वी हैव ऑलरेडी सीन कि दीज आर बेसिकली फोटो रिसेप्टर्स है प्लांट्स में या बैक्टीरिया फंगस में भी होते हैं टू डिटेक्ट लाइट, एंड दे आर सेंसिटिव टू रेड एंड फार रेड लाइट, फार रेड रीजन्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. हेनरिक एंड बॉटविक ने 1952 में ऑब्जर्व किया कि फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स इज इनिबिटेड, मतलब रुक जाता है, इफ़ डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड इवन बाय स्मॉल फ्लैश ऑफ आर्टिफिशियल लाइट ऑल्सो, स्पेशली रेड लाइट ऑफ 660 नैनोमीटर्स. ओके, नाउ इफ इट इज द, दिस इज वॉट वी कैन से द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. If it is immediately followed by far red light, तो ये far red light of 660 nanometers, उसके exposure के बाद immediately this is red light simply. Far red light 730 nanometers का expose करेंगे तो short day plants will flower. ओके, तो इट इज़ द इफेक्ट ऑफ लाइट ओनली वॉट यू कैन सी, बिकॉज वो फार रेड के लिए और रेड लाइट के लिए अलग बिहेवियर दिखाता है. दिस ऑब्जर्वेशन लेड देम टू कंक्लूजन दैट सम पिगमेंट सिस्टम इन द प्लांट इज रिसीविंग दिस फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस, एंड दीज पिगमेंट्स दैट इज द प्रोटीनेशियस पिगमेंट्स आर नथिंग बट द फाइटोक्रोम्स बोला गया है. ये लीव्स में होते स्पेशली, तो लीव्स प्रोड्यूस द लाइट रिसीविंग प्रोटीनेशियस पिगमेंट्स जिनको फाइटोक्रोम बोलते हैं, जिनकी वजह से फ्लावरिंग हो पाता है. ये जो फाइटोक्रोम पिगमेंट्स हैं ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं, विज रेड एंड फार रेड फॉर्म. रेड फॉर्म को फाइटोक्रोम आर एंड पी आर लिखते हैं, एंड फार रेड को फाइटोक्रोम एफ आर, एफ दैट इज़ पी एफ आर लिखते हैं. सो वैन पी एफ आर एब्जॉर्ब्स द फार रेड लाइट, इट इज़ कन्वर्टेड इन टू द पी आर, एंड वाइस वर्सा इज पॉसिबल. तो ये पी आर कैन बी कन्वर्टेड टू पी एफ आर, एंड पी एफ आर कैन बी कन्वर्टेड टू पी आर. दे आर लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रीन सेल्स. तो यहाँ पर ये तुम लोग को इनका इंटर कन्वर्जन दिखाया है कि द पी आर ऑफ 660 नैनोमीटर्स that is a red light can be converted into phytochrome pigment PFR, and this can be again converted back into PR. Okay, so during daytime the PFR accumulates in the plant, and it inhibits the flowering in the short day plants but initiates the flowering in long day plants. So PFR is responsible for flowering mainly in the long day plants, and wo short day plants pe flowering nahi karwata. But during dark period this PFR changes into PR, and it stimulates or promotes the flowering in short day plants, and exactly ulta kaam karta hai, PR inhibits the flowering in long day plants. To ye phytochrome pigments ki wajah se hota hai. Then always remember mein unhone diya hai, कंट्रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, मतलब फिजिकल फीचर्स में जो चेंजेस आते हैं प्लांट के बाय लाइट एंड फाइटोक्रोम इज टुगेदर कॉल्ड एज फोटोमॉर्फोजेनेसिस. तो लाइट की वजह से होता है, लेकिन लाइट को रिसीव करने वाले फाइटोक्रोम्स हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस. तो मॉर्फोलॉजी में क्या चेंजेस आते हैं ना, प्लांट का लेंथ वगैरह भी इंक्रीज होता है, दैट वी कॉल फोटोट्रोफिज्म ऑल्सो, उसका ग्रोथ इज टूवर्ड्स द लाइट एंड ऑल. सेम वे फ्लावरिंग एंड ऑल भी उसमें होता है, तो ऑल टुगेदर इट इज़ कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस. देन इंटरनेट इज माई फ्रेंड में उन्होंने बताया है कि मेल्चियस इज द नेम ऑफ द पर्सन साइंटिस्ट हु प्रपोज दैट चिलिंग ट्रीटमेंट में इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेटिकल फ्लोरल हॉर्मोन दैट इज कॉल्ड वर्नालिन. तो अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव ऑन होंगे, दैट इज वर्नलाइजेशन. सो व्हाट इज दिस, बेसिकली वी विल टॉक अबाउट वर्नलाइजेशन लेटर, बट ही प्रपोज्ड कि जैसे लाइट का इफेक्ट है वैसे ही टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है. चिलिंग ट्रीटमेंट जिसमें कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसकी वजह से लाइट की वजह से जो हार्मोन फ्लोरिजन बन रहा था, कोल्ड की वजह से अभी कौन सा हार्मोन बनता है प्लांट में, दैट इज अ हाइपोथेटिकल फ्लोरल हार्मोन कॉल्ड वर्नालिन बनता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग फ्रूटिंग दिख सकता है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट कंसेप्ट आफ्टर फोटोपीरियोडिज्म इज वर्नलाइजेशन.